बहुत पाप किए होंगे तब जा करके शायद ऐसा बाप मिला होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ईशान खट्टर के डैड की गलती है इसमें, लेकिन भाई साहब अपने टैलेंट को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन उनकी किस्मत किस्मत ऐसी है कि बस मानो हर कोई लेने पे लगा पड़ा है। पहली मूवी धड़क थी और दूसरी मूवी खाली पीली है। चलो खाली पीली का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों ने जी भर करके उसको डिसलाइक दिया, लेकिन उस ट्रेलर को देखने के टाइम पे ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर में ईशान खट्टर की मेहनत कूट कूट के भर भर के देखी जा सकती है। लेकिन यार उनकी किस्मत शायद ऐसी है कि उनके साथ में स्टारकिड की कुछ ऐसी लड़ी आ रही है जिसके साथ में उनकी करियर की नैया डूबती नजर आने वाली है, क्योंकि खाली पीली के अंदर में जो भी उन्होंने करके दिखाया है वो हर एक हीरो करता है यार। अपने स्टार्टिंग डेज में कोई ओवर एक्टिंग कर जाता है, कोई एक्टिंग ही नहीं कर पाता है। बाय द वे इन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इनकी नैया डूबने वाली क्यों है मैं बता दूं, क्योंकि ये मूवी जो रिलीज होने वाली है, जैसे आप सबको पता है कि 299 रुपीज दे करके ये मूवी देखना पड़ेगा। भाई अगर नॉर्मली हम थिएटर में भी जाके देखते हैं ना तो 120 रुपए, 150 रुपए या फिर 200 रुपए होता है, अगर हम मल्टीप्लेक्स में चले गए तो 200 रुपए की टिकट होती है। लेकिन शायद ये बहुत बड़ा वाला फिल्म है, ये शायद दुनिया का बहुत ही महंगी फिल्म है, ये शायद रावण बना रही है या फिर शायद बाहुबली पार्ट 3 बन रही है, जिसके वजह से जो है इनकी मूवी की टिकट 299 रुपीज का है। हाँ चलो लॉजिक ये भी मानता हूँ कि घर के अंदर में जितने भी सदस्य है फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं ओनली 299 में, लेकिन यार बाकी जो सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो क्या पागल है जो पूरे साल का 999 ले रही है और अनलिमिटेड कंटेंट दे रही है आपको। तो भाई ठीक है, जी फ्लेक्स है तो है, ठीक है जाकर के देख लेंगे। वो क्या नाम है, टेली, हाँ टेली करके कुछ तो है यार, वो अपना जिंदाबाद है। तुमको क्या लगता है, मैं सारी चीजें जाकर के सब्सक्रिप्शन मार के देखता हूँ? अबे यार चलो Amazon Prime, Netflix इनका समझ में भी आता है, लेकिन Z5, Voot और भी जितने चिंटू पिंटू है उनके लिए मैं पैसा भरता फिरूं? अबे शक्ल से चोमू दिखता हूँ क्या? हाँ मालूम है दिखता होगा, लेकिन यार मैं उनके लिए पैसा भरूं ना? और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी एक और मूवी आ रही है जिसके ऊपर में भी पैसा लगने वाला है, कि मतलब एक मूवी देखने का आप पैसा दो, मतलब थिएटर खुल नहीं रहा तो आप घर में घुस के चोरी करोगे क्या? तो भाई आपको मिल जाएगा रिव्यू, और आपको अगर देखना नहीं है तो भाई मैं लेकर के आ जाऊंगा फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। वैसे भी मैं स्टोरी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से देता हूँ कि भाई आप मूवी ना भी देखो तो भी आपका यार कहानी सुन करके तो आपका काम चल ही जाता है। और सबसे पहली बात है, इस मूवी को देखने के लिए 299 जो भी देता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। अगर आप लोगों ने 299 देखने के बाद में यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे आकर के डाला कि आपने मूवी देखी और वो खाली पीली, एकदम खाली पीली ही निकली, तो भाई उसका दोषी मैं नहीं हूँ। आपको क्या करना आप खुद डिसाइड करो यार। और बाय द वे अगर मन में कुछ अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं तो जाकर के कमेंट सेक्शन पे दिखाओ ना अपने विचार, मैं पढ़ूंगा पर्सनली अपने इन्हीं दो आंखों के साथ में और लेकर आऊंगा उसके ऊपर में भी एक नया वीडियो। तो चलो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टाटा बाय सायनोरा एंड हस्ता ला विस्ता। बाय द वे ये वीडियो भी वैसे ही खाली पीली बना दिया मैंने।